लोगों को सस्ती और अच्छी दवाइयां उपलब्ध कराने वाले जेनरिक आधार की शाखा थाने के जामले नाका पर शुरू हुई है। हाल ही में इस नई शाखा का उद्घाटन विधायक निरंजन डावखरे, विधायक संजय केलकर और नगर सेवक संजय वाघुले के साथ साथ खुद जेनरिक आधार के संस्थापक अर्जुन देशपांडे ने किया। इस दौरान इस शाखा के संचालक नीरव बनोट और वैभव मालनकर भी मौजूद थे। अस्सी से 90% सस्ती कीमत में दवाई उपलब्ध करके कुछ ही वर्षों के भीतर दवाओं और मेडिकल की दुनिया में क्रांति लाने वाला जेनरिक आधार देश के 11 राज्यों में अपने पांव पसार चुका है। सिर्फ 16 साल की उम्र में अर्जुन देशपांडे के दिमाग की उपज यह जेनरिक आधार 130 से ज़्यादा शहरों में खुल चुका है। नीरव जी बारोट यांच्या माध्यमाने जेनरिक आधार आज हे दुकान ठाणेकरांसाठी उपलब्ध होते, याच्या माध्यमाने गोरगरिबांसाठी औषधं या इकडे उपलब्ध होणार आहेत। आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की कोरोनाच्या काळामध्ये औषधांसाठी किती लोकांची हेळसांड होत होती आणि आज जेनेरिक आधार हा खऱ्या अर्थाने गरिबांचा आधार म्हणून या इकडे काम करेल असा विश्वास मला आहे। एक अल्पदरामध्ये औषधं आपल्याला या इकडे उपलब्ध होतील आणि त्याच्यामुळे आपल्या माध्यमाने माझं समस्त ठाणेकरांना विनंती आहे की या जेनेरिक आधाराच्या दुकानाच्या माध्यमाने जी औषधं अतिशय अल्पदरात आपल्याला उपलब्ध आहेत ती घ्यावी। करोना काळातच नाही तर सर्व काळामध्ये या जेनेरिक औषधाचा या दुकानाचा निश्चित उपयोग होत असतो। माझ्या आठवणीमध्ये गेल्या दोन वर्षामध्ये जवळजवळ 4 दुकानं, 4 अशा प्रकारची शॉप्स जी आहेत ती उघडण्यात आली आणि लोकांचा प्रचंड प्रतिसाद आहे। कारण की आज औषध महाग झालेलं आहे, लोकांच्या खिशाला परवडत नाही आणि त्याच्यामुळे जेनेरिकचं जर डॉक्टरांनीसुद्धा जर चांगल्या पद्धतीने रेकमेंड करत राहिले तर स्वस्त आणि दर्जेदार औषधं या माध्यमातून मिळतात। जी मोदीजींची संकल्पना आहे की गरिबाला देखील औषध मिळालं पाहिजे, योग्य दरामध्ये मिळालं पाहिजे, कमी दरामध्ये मिळालं पाहिजे। आज या ठिकाणी आमचे बारोटजी आहेत, त्यांच्या कुटुंबियांचा या दुकानामध्ये सहभाग आहे आणि मला निश्चितपणे खात्री आहे की या शहरामधली नागरिक जे आहेत ते जेनेरिककडे वळण्याचा त्यांचा ओढा हा बाकीच्या ठिकाणी जसं आम्ही बघतो तसा निश्चित मोठ्या प्रमाणात आहे आणि ही एक मला तर वाटतं चळवळ आहे आणि या चळवळीला प्रतिसाद लोक निश्चित देतील। पूरे हिंदुस्तान की जो शुरुआत मैंने की थी जेनेरिक आधार की, एक जो संकल्पना मेरे मन में आई थी कि लोगों को अफोर्डेबल मेडिसिन मिलने चाहिए, इसकी शुरुआत हम लोग ने थाना शहर से की थी और आज 2 साल के अंदर अंदर हम लोग ने पूरे 130 शहरों में हम लोग ने एक्सपेंड किया है। बहुत लोग हमारे साथ में जुड़ते चले जा रहे हैं, जैसे रतन टाटा सर ने खुद ने मेरे साथ में पार्टनरशिप की, मुझे सपोर्ट दिया ये वेंचर में। आज वापस हम लोग ने हमारे जो होम टाउन हम लोग बोल सकते हैं थाना में, हम लोग ने फ्रेंचाइजी मिस्टर नीरव जी को दी है और ये बिल्कुल ही जो हमारे धर्मवीर आनंदिगे जी है जिनका ऑफिस था, घर था, उनके बराबर सामने हैं, तो उनके तरफ से भी हमको एक बहुत ब्लेसिंग्स का मैं कहूँगा कि एक ब्लेसिंग्स हो गया हमारे लिए। तो वहाँ से अभी नीरव जी के थ्रू थाना में नंबर ऑफ़ फ्रेंचाइजीज जो जिनको खुद का कुछ तो नया करना है फार्मा इंडस्ट्री में, वो खुद के फ्रेंचाइजीज ये जो स्टोर है वैसा डाल सकते हैं, खुद का बिजनेस एक अपॉर्चुनिटी हम लोग दे रहे हैं। छोटा दुकानदार आज थाना में 4000 से ज़्यादा रिटेलर छोटा दुकानदार है मेडिकल वाला, आज बड़े बड़े मॉल्स आ रहे हैं, ऑनलाइन फार्मेसीज आ रहे हैं, जो 4000 दुकानदार है वो धीरे धीरे करके बंद हो जा रहे हैं। अगर अपने नौपाड़ा मेडिकल सर ऑल्सो कैन कन्वर्ट या दैट सो जो छोटे मेडिकल से ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, आज अगर आपने देखा होगा नौपाड़ा में बड़ा मेडिकल था 20 सालों से काम कर रहा था, वो बंद हो गया क्योंकि उसके बाजू में बड़ा मॉल आया। तो आज जो छोटा दुकानदार है वो बड़े मॉल्स के साथ में कॉम्पीट नहीं कर रहा है, उनके लिए आज जेनेरिक आधार खड़ा हो रहा है। जो 4000 दुकानदार है उनके लिए आज जेनेरिक आधार है। तो थाना में जिसको भी फ्रेंचाइजी चाहिए होगा तो नीरव जी के कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अभी जामली नाका तलापाली के यहाँ पर हमारा पहला मास्टर फ्रेंचाइजी का ऑफिस और स्टोर भी है, तो वो हिसाब से पूरा थाना में हम लोग एक्सपेंड करते जाएंगे। अभी ये जो मेडिसिन है, इंडिया में 90% मेडिसिन जेनरिक की होती है। अभी हर एक शहर में हम लोग ये अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं कि जेनरिक मेडिसिन ये लोगों को अप टू 80% डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रही है क्योंकि अंदर का मॉलिक्यूल जो रहता है वो सेम रहता है। तो अभी हर एक सीनियर सिटीजन से जो कि पेंशन होल्डर है वो जेनरिक आधार की दवाइयाँ ले रहा है। हमारे जो मेजॉरिटी प्रोडक्ट्स है, फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स है, डायबिटिक होने दीजिए, गैस्ट्रो होने दीजिए, अभी हम लोग कैंसर में भी आ रहे हैं। तो अलग अलग मेडिसिन को हम लोग 1-1 लाख के मेडिसिन जो कैंसर में हम लोग को 15,000-20,000 में लोगों तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। तो बहुत मेडिसिन हाई क्वालिटी के हम लोग प्रोवाइड करेंगे ये स्टोर के माध्यम से थाना के लोगों के लिए।
इट्स बेसिकली वी वुड वॉन्ट मैक्सिमम सीनियर सिटीजन पीपल टू टेक बेनिफिट ऑफ दिस अफोर्डेबल मेडिसिन एंड एट द सेम टाइम दे आर इक्विवेलेंटली ऑफ द सुपीरियर क्वालिटी वॉट इज अवेलेबल इन द मार्केट. सो वी वुड वॉन्ट देम टू टेक मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ दिस स्टोर एंड जेनरिक आधार. इनकी संकल्पना बहुत अच्छी थी, तभी तो रतन टाटा जी जैसे महान व्यक्ति ने इनको सपोर्ट किया, बिकॉज दैट इज़ हाउ अगर वो हम ऐसे एक एक कदम आगे लेंगे तो अपने यहाँ पे जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो इतना महंगा हो रखा है वो इसी तरीके से कहीं ना कहीं वो रिड्यूस होगा और पीपल विल बी मोर हेल्थ कॉन्शियस जब अफोर्डेबल मेडिसिन रहेगी उनके पास. दूसरे मेडिकल से कंपेरेटिव 80% तक का इसमें जेनरिक में फ़ायदा है मतलब, तो इसके लिए हमेशा मैं जेनरिक से ही मैं ट्राई करता हूँ. नहीं ज़रूर एक बार तो यहाँ पे ट्राई करना चाहिए, जो नॉर्मल मेडिकल में जाता है एक बार जेनरिक में आके लेना चाहिए मेरे हिसाब. कैमरामैन रोशन गायकवाड़ के साथ संध्या श्रीवास्तव, ग्लोबल चक्र न्यूज़, ठाणे.